हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज रोशन शर्मा एक्स। इस चैनल पर नए हो या पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। कल मैथमेटिक्स से एग्जाम है, सबसे पहले ये प्रैक्टिस आपको करके जाना है क्योंकि ये कंपलसरी आपको एग्जाम में पूछेंगे। चैप्टर वाइज अलग कर रहा हूँ मैं। और देखिए, यहाँ पर रियल नंबर में से आपको चेक करना है। पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक देखना है, उसी तरह ये 3p 3p + m दे सकता है, 8m 8m + 3 दे सकता है, या 5m 5m + 1 दे सकता है, या 7m 7 कुछ भी बनाकर दे सकता है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करके जाना है। एक बार मेरे सारे वीडियोस देखिए, उसके अंदर आपको सभी आंसर्स मिल जाएंगे। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ का एक आपको देख कर जाना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, ये जितने भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करके जाना है। ये रेशनल इरेशनल, ये भी एक 8 मार्क्स में आपको पूछेगा। ये लॉगरिथम्स में से दो क्वेश्चन देना है, एक्सपेंड लॉगरिथम है, ये भी एक लॉन्ग आंसर्स में, ये दोनों भी रियल नंबर में से इतने आपको चेक करना होगा। उसके बाद आता है सेट्स। सेट्स में से इतने क्वेश्चंस आपको देख कर जाएंगे तो बस हो जाएंगे आपको। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ए यूनियन बी, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, या इसके सबसेट, या नेचुरल नंबर्स का, ये इस तरह अगर देख के जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। पॉलीनोमियल्स में इतने क्वेश्चंस बस है, ए टी स्क्वायर या कोई भी नंबर दे सकता है इसकी जगह। ये भी आपको जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, ये आप द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, ये ग्राफ है, ग्राफ में कोई भी नंबर दे सकता है। मैं ग्राफ ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये आपको अल्फा बीटा गामा का है, जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, ये भी आपको जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलीनोमियल। ये आपको अल्फा बीटा का फॉर्मूला लेना है, ये क्यूबिक पॉलीनोमियल का है। इतने क्वेश्चंस आपके लिए पॉलीनोमियल में बस हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पर से आपको इंटरसेक्ट, पैरेलल, कोइंसिडेंट बतलाना है। एक ग्राफ है, ये 5 पेंसिल का है, बनाकर दे सकता है इस तरह का। ये पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है, ये रेशियो है। और उसी तरह यहाँ पर और दो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है सम ऑफ द टू डिजिट नंबर, ये लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल का, ये फ्रैक्शन विल बी का। ये ऑलरेडी मैं सारे क्वेश्चन से 9th यहाँ तक आपको प्रैक्टिस करके जाना है। नेक्स्ट 5th चैप्टर में से आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से, एक चेक करना है सम ऑफ द टू नंबर्स का, ये आल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल का, और उसी द टू ट्रेन्स का है, ये रूट्स का है, ये सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रेहान का है। और दो क्वेश्चन यहाँ से आपको, ये दो क्वेश्चन यहाँ पर आपको चेक करके जाना है। डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स है, ये ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर्स का है, ये नेचुरल नंबर्स का है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का है। इतने आपको चेक करके जाना पड़ेगा। उसके बाद प्रोग्रेशन में, ये प्रोग्रेशन में फाइंड द 38 टर्म, फाइंड द रेस्पेक्टिव टर्म्स, फाइंड ए पी ऑफ 78, या फाइंड द 31st टर्म, थ्री डिजिट नंबर। इतने अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके प्रोग्रेशन में से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतने काफ़ी है, देखिए वेरीफाई वेदर द पॉइंट, ये क्या है, कोलिनियर का एक है, ये 2, -1 है। उसी तरह यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल का है, उसी तरह यहाँ पे ऑर्डर टेकन पैरेललोग्राम का है, एक्स एक्सिस यानी इक्वी डिस्टेंस का है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का है, एक ट्राई सेक्शन का है, पैरेललोग्राम का है, ए एंड बी रेस्पेक्टिवली ए पी इज इक्वल 3 बाई रेशियो का है। उसी तरह यहाँ पे सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल का है। इतना आपको प्रैक्टिस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से। सिमिलर ट्राइंगल्स में ये सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किया है, तेज थ्योरम, बुधायन थ्योरम यानी पाइथागोरस थ्योरम, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल है, ए भी एग्जाम्पल है। ये आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में से 8.1 में से मिला, 8.1 में से मिलेगा, ए भी 8.1 में से मिलेगा, ए भी एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसके अंदर से कंस्ट्रक्शन करना है, मैंने कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी आपको टिक करा दिया है, वहाँ से आप करना है। इसके बाद मेंसुरेशन, टेंजेंट एंड सीकेंट सर्कल में एक एक्सरसाइज है, 9.1, उसके अंदर 4 क्वेश्चंस, और 9.2 के अंदर 1-2-3 क्वेश्चंस है, वो आपको प्रैक्टिस कर लेना है क्योंकि दो ही एक्सरसाइज है। ए मेंसुरेशन में फाइंड द वैल्यू ऑफ राइट सर्कुलर कोन, एक कोन, ये आपको एक बार चेक करना है। बस इतने ही आप पढ़ के जाएंगे तो इसके अंदर से पूरे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 8 तक क्वेश्चन है, ये आपको पढ़कर जाना। उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री, ए साइड ऑफ द ट्राइंगल, ये अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज साइड का, ये राइट एंगल ट्राइंगल का, ये आपको प्रूफ करना है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ये 4 क्वेश्चंस 8 मार्क्स में कंपलसरी आपको पूछेगा, अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आता है अप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, एक क्वेश्चन टॉल बॉय का, एक क्वेश्चन फॉर्म ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग का, ये 2 पोल्स ऑफ द इक्वल हाइट का आपको प्रैक्टिस करना है। बस इतने ही क्वेश्चंस इसके अंदर से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आता है 14th स्टैटिस्टिक सिमिलर, इसके बाद आता है कौन सा चैप्टर आता है इसके बाद, प्रोबेबिलिटी, वो भी अपलोड करूँगा। ये आपको प्रैक्टिस करना है, मीन 18
ये फाइंड द मीन के दो क्वेश्चंस, एक मॉड का है एक मीडियन का है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसी तरह एक ग्राफ यहाँ पर भी एक है, इसके अंदर एक ओग्यू ग्राफ भी आपको चेक कर कर जाना है। ओग्यू ग्राफ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में से देखिए, ये फर्स्ट आपको रेड बॉल ग्रीन बॉल्स का, ये डाइस का, ये कार्ड्स का, ये प्रोबेबिलिटी का, ये रेड डाइस टू किंग्स का, ये सेलेक्टेड, ये आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है। और यहाँ से गेम कंसिस्ट, यहाँ पर एक गेम को, तो इसके अंदर डाइस का और उसी तरह आपको डेक कार्ड्स का, ये दोनों अच्छे आपको चेक करके जाना है दोनों क्वेश्चन। तो इतना अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा, आपका एग्जाम अच्छी तरह जाएगा। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट, बहुत से सारे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं। ऑल द बेस्ट।